मेरा पेट भरा था, बहुत भरा, फिर भी दबा के रखा, छुपा के रखा, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि मौत और टट्टी कभी भी कहीं भी आ सकती है। अब ना कुछ सही है ना कुछ गलत, सब क्यूटी आपा है। वेलकम टू रॉडीज सीजन 9। आज झारखंड में ऑडिशन चालू हो चुका है, आइए मिलते हैं पहले कंटेस्टेंट। विशाल, व्हाट्स अप? विशाल, आपका नाम क्या है? विशाल, विशाल शर्मा। ओके विशाल, राउडीज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, जो पूछेंगे उसका बस ऑनेस्टली जवाब दे। मतलब स्ट्रेटेजी कुछ है ही नहीं। आपने ये पढ़ा है? नहीं। आपने ये नहीं पढ़ा है? नहीं, मुझे जिस स्कूल में पढ़ाया माँ बाप ने, माँ बाप मैं जो चलो, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, बैठिए। विशाल, क्या करते हैं आप? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। चल, अपने बारे में कुछ बता। सर वैसे तो मैं लखनऊ से हूँ, पर बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, बॉक्सिंग, स्विमिंग, सर फुटबॉल का काफ़ी शौक है। फुटबॉल? फुटबॉल अच्छा खेलता है? हाँ सर, एक बार तो स्टेट लेवल टीम में सिलेक्शन भी हुआ। विशाल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सर अभी आपने तो पूछा। तू क्या सोच के आया है यहाँ पे, क्या सोच के बैठा है यहाँ पे, आया क्यों है तू? सर आप ही ने फोन किया था पर्सनल इंटरव्यू के लिए, शो में कंटेस्टेंट बनना। क्या बोला तूने? शो? हाँ सर, रियलिटी शो ही तो है। ये रियलिटी शो लगता है तुझे? गाना गाने के लिए बुलाया मैं अन्नू मलिक हूँ? वे चूतिये, दिस इज लाइफ, दिस इज रोडीज, यहां लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है, पार्टिसिपेंट्स में लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है। राजीव यार, आई एम डन, तुम ही लोग सवाल पूछो इससे, मुझे माफ करो, आई एम डन। तुझको आइडिया भी है? तुझको आइडिया भी, तू क्या बोल रहा है? किताब पढ़ी है तूने? नहीं पढ़ी। विशाल, ये आपका फॉर्म है? हाँ सर। हमने आपसे पूछा कि अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और आपके माँ बाप उस शादी के खिलाफ हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊंगा और कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि मुझे शादी करनी है। हेलो, तूने इसमें क्या लिखा है? सर यही तो लिखा है। तूने इसमें लिखा है कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा कि मुझे शादी करने दो, ऐसे बात करेगा तो अपने माँ बाप से? सर आप ऐसे बोलोगे तो। अबे मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है चूतिये? सर आप ही बोल रहे हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। अच्छा, तुझे बोलने का मौका चाहिए, चल बोल, दिया तुझे मौका। सर मैं कह रहा था मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊंगा। चुप, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? यार रणविजय, I'm done with this guy. तुम ही लोग संभालो यार, I'm through. अच्छा विशाल, आपसे पूछा गया था कि क्या लड़कियों को रात को कम कपड़ों में घूमना चाहिए, तो आपने क्या जवाब दिया? अबे जवाब दे उसका, मुझे क्या घूर रहा है चूतिये? सर मैंने लिखा है कि लड़कियों को रात में छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि अभी विंटर चल रहा है और वो छोटे कपड़े पहनेंगी तो वो बीमार पड़ सकती है। I'm stunned. बहन चोद, माँ के लौड़े, तू होता कौन है लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकने वाला? सर लेकिन अबे लड़की चाहे कुछ भी करे, बिकनी में घूमे, रात को नंगी होके दौड़े, तुझे क्या प्रॉब्लम है?
सर आप समझे नहीं। मैं नहीं समझा, मुझे समझाएगा तू? ये शो किसने बनाया? मैंने। ये लाइट्स, ये कैमरा किसने बनाया? मैंने बनाया। ये बिल्डिंग किसने बनाई है? मैंने। ये चाय, ये रणविजय किसने बनाया? मैंने बनाया। मैंने फाइन। कोई लड़कियों की बेइज्जती करे मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। पहन के लौड़े। नहीं सर, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। मैं अबे तू होता कौन है लड़कियों की बेइज्जती करने वाला? मैं बताता हूं इसके बारे में। ही इज सेक्सिस्ट इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ही ओनली थिंक्स ऑफ वुमेन एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स। यार तुम लोग हमेशा ऐसे लोग बुला के मेरा टेस्ट ऑफ पेशेंस लेते हो। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। रणविजय तू ही संभाल इसे। अच्छा ये बता तू आया क्यों रोडीज में? नहीं ऑनेस्टली बता क्या सोचा? सर ऑनेस्टली बोलूं तो जिन लोगों को आप शो में सेलेक्ट करते हैं वो मुझे बड़े बेवकूफ लगते हैं, और मुझे लगता है कि आपको उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग तो इंडिया के यूथ में मिल ही जाएंगे। तो ये सोच के तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू? नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं नहीं तू सब जानता है ना। चल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बता। मिस्टर मोहम्मद हमीद अंसारी। सही। ट्यूनिशिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बता। ट्यूनिशिया? हाँ नहीं पता ना। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता है, ट्यूनिशिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्यों नहीं पता? Tunisia, मैं बताता हूँ, because he doesn't even acknowledge Africa, because the people are black there. He's a bloody racist. A racist, a sexist, and a capitalist. No sir, I'm not a racist. तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। तू मुझे विशाल बस इतना बता दे कि मान ले कि तुझे ऑमलेट खाना है, ठीक है? और तू अंडे खरीदने मार्केट गया, वहाँ तुझे दो तरह के अंडे दिखाए, एक सफेद और एक पिच ब्लैक। तू कौन सा अंडा खरीदेगा बता? सफेद। क्या? सफेद अंडा। I'm stunned. God, ये तो अंडों में भी डिस्क्रिमिनेट करता है। इतना बड़ा रेसिस्ट है कि तू काले अंडे को कंसीडर भी नहीं करेगा। विशाल, गाइस लाइक यू आर अ डिस्ग्रेस टू द सोसाइटी। अ रेसिस्ट, अ सेक्सिस्ट। इनफैक्ट क्या देख रहा इधर देख। तू सच सच बता दे मुझे, तू क्यों आया था रोडीज? तुझे बस फेम चाहिए, हाँ राइट? हीरो बनना है तुझे। एक सीजन रोडीज पे है और हीरो बनेगा तू? इसे देख, 9 साल से रोडीज कर रहा है, बना हीरो नहीं, एक फिल्म की वो भी फ्लॉप। रोडी में आने से कोई 30 मार खान नहीं बन जाता। विशाल, इससे पहले कि हम तीनों अपनी जगह से खड़े हो जाएं, यू गेट लॉस्ट। विशाल तू चाहता है मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाऊं? तू चाहता है मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाऊं? खड़ा हो जाऊं मैं अपनी जगह से? निकाल यहां से।
विशाल विशाल क्या हुआ? अरे गए थे तुम एक पीस में, बाहर निकल रहे हो तीन अलग अलग तुम्हारे वर्जन निकल रहे हैं। हाँ कैसा लगा तुम्हें तीनों से मिलकर के? यार ये बंदा बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, दिमाग गरम कर दिया यार इसने। राजीव जरा कोल्ड ड्रिंक देना। आई डोंट अंडरस्टैंड सच पीपल, मुझे लगता है इनको को आइडिया ही नहीं है कि रोडी स्पिरिट क्या चीज है। इनको लगता है कि ये आएंगे और लड़कियों के बारे में चिल्ला चिल्ला के चार गालियां देंगे या उनको ऑफेंड करेंगे किसी तरीके से, या फिर कोई स्प्लिट पर्सनालिटी का बहाना बना के लोगों को इंप्रेस करेंगे। जस्ट डजंट वर्क। थैंक्स राजीव। यार ये पेन फिर से खत्म हो गए, पेन सारे खत्म हो गए। आई कांट वर्क लाइक दिस, आई कांट वर्क लाइक दिस। माइकल पैकअप करो यार, पैकअप। I'm stunned.